उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी युवक की मां का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। लड़की उसे फोन कर बुलाती थी, जिसके चलते उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुछ दिनों पहले माधवनगर थाने में किशनपुरा निवासी दिशांत वाडिया पर वहीं रहने वाली एक नाबालिग युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को किशनपुरा क्षेत्र के रहवासीगण दिशांत के समर्थन में एसपी कार्यालय पहुंचे और पीड़िता के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि दिशांत को दुष्कर्म के केस में फंसाने वाली युवती के साथ दिशांत का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते युवती के परिवार ने दबाव बनाकर युवती को धमकाया और दिशांत के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवा दिया, जिसके चलते उन्होंने एसपी ऑफिस पर ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसपी साहब से मिलने क्या शिकायत लेकर आए? मैं शिकायत लेकर आई हूँ, मेरा बच्चा निर्दोष है, मेरे बच्चे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की ने क्या नाम से उसे मिलती जुलती थी, वो काफी समय से वो खुद आती थी, खुद फोन लगाती थी, खुद मिस कॉल करती थी, उसको कहती थी मेरी कोचिंग पे आ जा, मेरे से मिलने आ जा, और क्या नाम से गलत गलत आरोप लगा के उसकी माँ के कहने में मेरे बच्चे को जेल भेज दिया। मेरा बच्चा 4 दिन से जेल में है। इसके पहले भी किसी आरोप लगाया? वो लगाती रहती, 2 लड़कों के ऊपर भी यही कार्रवाई करी उसने, उनको भी जेल भेजा और बेटी को घर लेके आ गए वापस। उसकी दोनों बेटियों के साथ भी यही करा उसने, और पैसे का दबाव दे रही है मेरे को भी कि तेरा घर बिकवा दूंगी, तेरे को पैर रखने की जगह नहीं छोड़ूंगी, तेरे को घर से बाहर निकलाऊंगी, तेरे को भीख मंगवा दूंगी, ऐसे तेरे साथ में सुलूक करूंगी। इतनी धमकी दे के गई मुझे घर आके और बोल के गई तेरे को है ना पानी पीने के लिए गिलास नहीं छोड़ूंगी। तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी कुछ धमकी दे रही है? हाँ, मेरे जमाई बेटियों को धमकी दे रही, मेरे रिश्तेदारों को धमकी दे रही, उसके दोस्तों को धमकी दे रही है। केरी के कल भी मेरे उस लड़के को बुला के दोस्त को और केरी के क्या नाम से इसने भी उसके साथ सपोर्ट किया है, पर मेरे उस बच्चे ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। दोस्ती थी उसकी, दोस्त के साथ रहता था, और मेरा बच्चा कितने ही महीनों से काम कर रहा है। एक दिन भी उस दिन भी रात को मेरे यहाँ 3 दिन तक उसने रातों में काम किया, फिर उसने झूठा इल्जाम लगाया कि 3 दिन से लेके गायब था, पर मेरा बेटा कहीं गायब नहीं था। आप एसपी साहब से मिलना है क्या, आपको बोला? मैंने एसपी साहब को शिकायत करी है, तो एसपी साहब बोला कि आप है ना हम न्याय करेंगे आपके बेटे के साथ, जो गलत होगा तो गलत करेंगे, सही होगा जांच करेंगे, सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। मैं मेरे बेटे का पक्ष नहीं ले रही, मैंने मेरे बेटे को खुद लेके पेश कराया गया। मेरा बेटा गलत होता तो मैं पेश नहीं करती, मेरा बेटा सही है, मेरे बेटे के साथ न्याय होना चाहिए बस। क्या पूरा मामला है? ये क्या है, किशनपुरा वार्ड क्रमांक 39 का मामला था। दिशांत वाड़िया करके एक बालक था, तो ये नाबालिग के दुष्कर्म में सिलसिले में इतने सब लोग, मोहल्ले के सब लोग आए थे उसके लिए कि वो जो बच्चा है वो दोषी नहीं है, ऐसा करके इन सबकी जितने भी लोग हैं यहाँ समर्थन में, उसके समर्थन में आए थे सारे लोग। और एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब ने भी ये कहा कि इसकी जो जांच रहेगी वो निष्पक्ष रूप से की जाएगी। क्या है पूरा मामला, लड़की के परिजन किस तरीके से लड़की के परिजनों का उनके खिलाफ पूरे घर वालों के खिलाफ आवेदन वगैरह दिया था, लड़के को जेल भी भेज दिया गया है अपराध करता बताते हुए। दूसरी बात, कोई कल एक साहिल नाम का कोई लड़का है उसके खिलाफ भी आवेदन दिया गया है। लड़की ये जो क्या अपना दिशान जो लड़का है इसका दोस्त है वो, तो उसके खिलाफ भी आवेदन दिया गया है कल लड़की के परिजन। इसके पहले भी कई लड़कों के खिलाफ आवेदन दिया है? हाँ, इसके पहले भी उन्होंने आवेदन दिया है क्या? तो इसी रूप से सभी लोग यहाँ उसके लिए आए थे और सर ने भी है सबने यही मांग करी कि लड़का जो है वो दोषपूर्ण है, तो सर ने भी ये कहा कि उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी, आगे जो भी होता है। हम चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी के साथ इंसाफ हो। आपका नाम बताइए। मैं उज्जैन से विमल बैडवाल की रिपोर्ट।